हेलो हेलो मुकुल, मजा आ रहा है यार एक्सरसाइज करके। तू भी आजा पार्क। अबे होती है, इतनी ठंड में कौन पार्क जाता है। इन सब से हेल्थ ठीक रहती है, और भाई एक्सरसाइज करने से बॉडी में हीट जनरेट होती है और मसल्स भी। हाँ मालूम है, चल अपने बाप को मत सिखा। तो तू नहीं आ रहा, मर्जी है तेरी। वैसे मोनिका भी आई हुई है। क्या बात कर रहे हैं, अभी निकली है यहाँ से जॉगिंग करते हुए। अब तू नहीं आ रहा तो उधर यार इतनी ठंड हो रही है और ये गर्म फिल्म नहीं मिल रही। पागल है क्या, क्यों हरकतें करता रहता है इतनी ठंड में? क्या हाल है? बढ़िया। साइबर केस रजिस्टर्ड है सर इसके खिलाफ, पर आज से पुलिस कभी इसे अरेस्ट नहीं कर पाई। वहां पे बैठे बैठे सबको अपने इशारे पे मचाता रहता है। अब बहुत हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। पता लगाओ ये रजाई में हवा घुस कहां से रही है यार। x.com अब आएगी गर्मी। आज नहाऊं या ना नहाऊं, आज रहने देता हूँ, कल ही तो नहाया था। आज नहाऊं या ना नहाऊं, ठंड बहुत है और आज परफ्यूम से काम चला लूँगा। आज नहाऊं या ना नहाऊं, आज रहने देता हूँ। वैसे भी ना इंसान का मन साफ होना चाहिए, और एक दिन नहीं नहाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आज नहाऊं या ना नहाऊं, आज ना ही लेता हूँ। लेकिन बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि मुश्किलों में घबराना नहीं और सर्दियों में नहाना नहीं, तो आज रहने ही देता हूँ। आज नहाऊं या ना नहाऊं। सुनो जी, इस हरामखोर को पूरे 2 महीने हो चुके हैं ना नहाए हुए, इससे अच्छा तो बाहर के जानवर है। अच्छा कम से कम नहा तो लेते हैं। अभी देखो उठाओ इसको, कीड़े पड़ रहे हैं। हां वे लड़ाओ पापा, आज रहने दो। बेशक सो दोस्तों ज्यादा ले लो, पर प्लीज रजाई में लैंड करवा दो, ठंड बहुत हो रही है, रहने दो। यार उसने परेशान किया हुआ है, ठंड का पूरा फायदा उठा रहा है। तू भी उठा। कैसे? अगली बार जब वो आएगा ना तो मैं पीछे से उसके बर्फ डाल दूंगा। हाँ और तुझे बदले में पनीर वाले मोमोज खिलाने पड़ेंगे। यार पक्का 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 यार। चल ठीक है। भैया बहुत ठंड हो रही है इस बार। हाँ बहुत ठंड हो रही है। एक मिनट। हेलो भाई, बस निकल चुका हूँ रास्ते में।
हाँ हाँ आ रहा हूँ। अरे यार वो बात नहीं है, कैसी बात कर रहा है यार। हाँ भाई भाई टाइम पे आ जाऊंगा, पार्टी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अरे भाई आ जाऊंगा यार, बाद में बात करता हूँ। भाई एक बात बता, तुमने साल में इतने पैसे उठा दे तो थोड़ा बहुत इन गरीब बंदों को भी देख लिया करो, क्या मिलता तुम्हें इतना पैसा उठा के। कम से कम इनको तो देख लिया करो जो रोडों पे सोते हैं, कम से कम दुआ तो देंगे, ये इंसान नहीं है क्या। बिल्कुल सही कहा भैया आपने, हमेशा थोड़ी बहुत खुशी के लिए हम पार्टियों में इतना पैसा उड़ा देते हैं, और अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि असली खुशी तो इन जैसे लोगों को खुशी देने में है। चलो भैया, मम्मी इंतजार कर रही है और आपको भी ठंड लग जाएगी।